An Indian guy trying Korean noodle for the first time. Hello guys, welcome back to the channel. आज हम बनाने वाले हैं ये कोरियन नूडल्स. इसका नाम है शिन रेम्यून नूडल सूप. ये बनाएंगे और ये कोरियन नूडल आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ. इससे पहले मैंने अभी तक सिर्फ इंडियन नूडल्स ट्राई करी हैं, जैसे मैगी है. आज हम ट्राई करेंगे ये कि कोरियन नूडल जो है, ये मैंने 5 का पैक मंगाया था, जिसमें से एक पैक ये है. ये मुझे 465 रुपीज़ का पड़ा है. ये मैंने अमेजोन से मंगाया था. इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं. तो चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं ये इसका टेस्ट कैसा है. ये हमने इसमें 550 ml पानी लिया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे कोरियन नूडल्स. तो पानी को मैं पहले थोड़ी देर गर्म होने देता हूँ, अराउंड 1 मिनट तक थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं, फिर इसके अंदर डालेंगे कोरियन नूडल्स. और इस पैक के अंदर एक तो ये नूडल निकला है और साथ में जो आप ये देख रहे हैं, दो छोटे छोटे पैक हैं. एक में है ये वेजिटेबल मिक्स और दूसरा है ये सूप बेस. तो चलिए पहले हम उसके अंदर डालेंगे पानी के अंदर ये नूडल्स, और उसके बाद जब ये नूडल थोड़ी गल जाएगी उसके बाद डालते हैं ये सूप बेस और वेजिटेबल मिक्स. तो इस नूडल को थोड़ी देर हम इसमें बॉयल होने के लिए रख दिया है. 2 से 3 मिनट तक ये बॉयल होगा इसके अंदर, फिर इसके अंदर मैं डालूंगा वेजिटेबल मिक्स और वो सूप बेस. तो अब इसके अंदर हमने डाला ये वेजिटेबल मिक्स. और अब हम डालेंगे इसके अंदर सूप बेस. ये रहा हमारा सूप बेस. ये देखिए एक बार क्या सही लग रहा है. चलिए अब इसको मिक्स करते हैं हम, और मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट तक पकने देंगे और फिर हमारी नूडल तैयार है. एन इंडियन गाय ट्राइंग कोरियन नूडल फॉर द फर्स्ट टाइम. और ये हमारी कोरियन नूडल तैयार है. चलिए इसको अब ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है, इसका रिव्यू. तो गाइस हमारी कोरियन नूडल रेडी है, ये आप देखिए. और ये है मेरी 2 चॉपस्टिक्स जिनसे मैं ट्राई करने वाला हूँ. इससे पहले मैंने चॉपस्टिक से ट्राई किया था वियतनाम में, बट बहुत मुश्किल हो रही थी, मेरी आदत नहीं है इसे खाने की. आज फिर से एक बार ट्राई करेंगे. और अगर इसे नहीं खाया जाता है तो मैंने साथ में कोक और स्पून रखा हुआ है. तो चलिए इसको ट्राई करते हैं. एन इंडियन गाय ट्राइंग कोरियन नूडल फॉर द फर्स्ट टाइम. देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है. मेरे कुछ जो वियतनाम के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि कैसे खाना है इससे चॉपस्टिक से, बट मुश्किल हो रहा है थोड़ा. नूडल जो है वो ठीक है, थोड़ा मोटा नूडल है. अगर मैं मैगी से कंपेयर करूँ तो मैगी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा थिन है इसके कंपैरिजन में, और ये बहुत स्पाइसी है. अगर स्पाइसी की बात करूँ, मैगी को मैं 10 में से दूंगा 3 नंबर. स्पाइसी है ही नहीं, एक तरीके से 2 नंबर दूंगा. इसकी बात करूं तो इसको मैं दूंगा 10 में से 6 नंबर. बड़ा मुश्किल हो रहा है यार चॉपस्टिक से खाना. जिस हिसाब से मैंने सुना था कि बहुत स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी तो नहीं है,
थोड़ी बहुत स्पाइसी है भाई, मेरे से तो चॉपस्टिक से खाया नहीं जा रहा। आप लोग बताना मुझे कमेंट में क्या सही तरीका है चॉपस्टिक से कैसे खा सकते हैं। तो अभी मैं चॉपस्टिक को रखता हूँ साइड में और मैं खाऊंगा अभी फोक से। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए एकदम थिक नूडल है ये, मैगी इतनी थिक नहीं होती है। थोड़ा स्पाइसी है, ज़्यादा नहीं है, जैसे मैंने बोला मैनेज कर सकते हैं। और हम इंडियन से हमें तीखा खाने की बहुत आदत है, जितनी कोरियंस को नहीं है। और ये जो नूडल है ये थोड़ी सूपी बनती है, ठीक है, ये है ही सूपी नूडल, लेकिन मैंने इंटेंशनली इसमें थोड़ा पानी कम डाला था कि मैं ज़्यादा सूपी नूडल नहीं पसंद करता हूँ, फिर भी मैंने थोड़ा पानी इसमें ऐड कर दिया था और इसका टेस्ट बरकरार है। अच्छा है, मतलब मैंने अभी तक मैगी और इंडियन नूडल्स ही ट्राई करी हैं, तो ये फर्स्ट टाइम है जब मैं ये कोरियन नूडल ट्राई कर रहा हूँ। और नॉट दैट बैड, बट अगेन मैगी का तोड़ नहीं है, मैगी के मुकाबले में कहीं भी नहीं है। जो टेस्ट मैगी का है ये उसके आसपास भी नहीं है। ये इसका सूप है, इससे बेहतरीन है मैगी यार, सच बताऊँ तो। लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए ये, और ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोगों को कैसा है आप जब ट्राई करेंगे मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये देख रहे हैं एकदम थिक नूडल है ये, थोड़ी सी बचपन की याद ताज़ा कर लेता हूँ। बचपन में ऐसे खाते थे ना, ऐसे रखा। तो इसको मैं दूंगा 10 में से 6.5 नंबर ओवरऑल टेस्ट में। इतनी कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसा कुछ वंडर्स नहीं है कि बाहर की मैगी है, कोरियन नूडल है तो कुछ अलग ही होगा। जो हमारी इंडियन मैगी है वो इससे कहीं बेहतर है। आप लोग ट्राई करना, आप मुझे बताना आपको कौन सी ज़्यादा बेहतर लगी, मैगी या फिर ये कोरियन नूडल। ये तो तीखी निकली यार, ये धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है। जब मैंने शुरू में खाया तब ये मुझे बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लग रही थी, लेकिन अभी जैसे जैसे स्पाइसेस अंदर जा रहे हैं ये असर कर रही है भाई। अब हिचकी आनी शुरू हुई है, एक और अटेम्प्ट देखता हूँ चॉपस्टिक से खाने पे। उसने मेरे को बोला था जैसे पैन पकड़ते हैं वैसे पकड़ो, और बहुत मुश्किल है यार, कैसे खा लेते हैं चॉपस्टिक से, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोशिश पूरी कर रहा हूँ, आ भी कुछ भी नहीं रहा इसके अंदर, कोई नहीं मैं फोक से खाता हूँ। गाइस ये धीरे धीरे असर दिखा रही है और अब तीखी लग रही है। तो ये था हमारा कोरियन नूडल्स का रिव्यू, स्पाइसी है, 5 मिनट बाद अपना असर दिखाएगी, बट इतनी भी स्पाइसी नहीं है कि आपको अपने साथ एकदम मिर्ची बुझाने के लिए दूध या पानी लेके बैठना पड़े, इतनी नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं। बट हाँ थोड़ी स्पाइसी है, जब शुरू में खा रहा था तब नहीं लग रही थी, अभी लग रही है। टेस्ट की बात करूँ 10 में से दूंगा इसको 6.5 नंबर, स्टिल मैगी इससे बेटर है मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब आप लोग खाएंगे आप मुझे बताइएगा आपको कौन सी अच्छी लगी, मैगी या फिर ये कोरियन नूडल्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।